जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकेत मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी की चिंताएं बढ़ रही हैं। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में भी तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने में जुट गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि जिला प्रशासन में जहां एक ऑक्सीजन प्लांट थे, वहीं अब तीन ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है। दूसरी वेव में ऑक्सीजन प्लांट मात्र एक था जिला अस्पताल में, जिसकी LPM 350 थे। वहीं अब पूरा दूसरा जो प्लांट लग रहा है, उसकी LPM 1000 के करीब है। तीसरा जो प्लांट है, उसकी LPM 1500 है। कोरोना की दूसरी वेव में जहां हर दिन 350 LPM मिल रहे थे, वहीं अब 3000 के करीब ऑक्सीजन LPM रहेंगे। जिला अस्पताल का स्वास्थ्य महकमा में हो रहे काम लगभग निरीक्षण के दौरान सही चल रहे हैं। सर, कोरोना की तीसरी लहर का संकेत मिल चुका है, ऐसे में सर जनपद गोंडा की स्वास्थ्य महकमा किस तरह की तैयारियां किया है? देखिए, कोरोना के लिए हम लोग पहले से ही तैयार हैं और जनपद में ऑलरेडी दो ऑक्सीजन प्लांट चल रहे थे, अब नए तीन ऑक्सीजन प्लांट करीब करीब चलने के हालत में हो गए हैं। एक ऑक्सीजन प्लांट जो सबसे बड़ा है 1500 LPM का, उसके लिए अभी तैयारियाँ चल रही हैं। तो कुल मिला के 4 नए प्लांट और 2 पहले के, 6 प्लांट हो जाएंगे। सर, इसके लिए अभी तक कितने बेड आरक्षित किए गए हैं? इसके लिए जनपद में 200 बेड का कोविड हॉस्पिटल है तथा 120 बेड जो है पेरीफ्री में 4 CHCOs पे आरक्षित किया गया है। सर, थर्ड जो सेकंड फेज जो हमारे आए थे, उसमें ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी, उसको लेकर जनपद गोंडा में किस तरह से तैयारी की ऑक्सीजन को लेकर? जनपद गोंडा में तैयारियों के लिए मैंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट जो है एक्टिवेट किए जा रहे हैं और ज़्यादातर ऑक्सीजन प्लांट एक्टिवेट होने के हालत में हो गए हैं, केवल एक प्लांट को छोड़ के। लेकिन अभी ऑक्सीजन की कोई क्राइसिस नहीं है, आने वाले समय में भी कोई क्राइसिस की संभावना नहीं है। तीसरी लहर को लेकर सर बच्चों पर ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, इसके लिए क्या कैसी तैयारियाँ हैं? बच्चों के लिए तो हम लोग बाकी समुदाय में टीकाकरण कर रहे हैं, बच्चों के लिए अभी टीकाकरण नहीं आया है और समय आने पे अगर टीकाकरण शुरू होता है तो हम लोग बच्चों के लिए टीकाकरण भी करवाएंगे। आए हैं या निरीक्षण करने कैसे आए हैं, किस तरह का निरीक्षण? जैसा कि आपको संज्ञान में होगा कि कोविड की थर्ड वेव की संभावना जताई जा रही है कि कभी भी आ सकती है, तो उस संबंध में ऑक्सीजन प्लांट्स कई सारे यहाँ पर लगने थे, तो उसके निरीक्षण के लिए आए हुए थे कि काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि काम ठीक चल रहा है यहाँ पर। हमारे यहाँ जिला अस्पताल गोंडा में 3 ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है अभी, जिसमें से एक CSR के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है एक्सेंचर कंपनी से, SOCHM के माध्यम से 500 LPM का प्लांट। तो उसके इंजीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं और उसकी प्लेसमेंट करा रहे हैं और मुझे लगता है कि 3 दिन में इसका पूरा काम 3 से 4 दिन में हो जाएगा। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे गोंडा जनपद में 500 LPM का एक प्लांट चलने लगेगा। आपको ध्यान होगा कि जब सेकेंड वेव आई थी तो हमारे पास कुल कैपेसिटी करीब 350 LPM की थी, तो 500 LPM का एक ये प्लांट लग जाएगा। इसके बाद दूसरा प्लांट है PM केयर्स का, जिसमें 1000 LPM की क्षमता है, वो भी प्लांट आ गया है, सारी तैयारियां हो गई हैं। आज उनका DG सेट भी हमको मिल जाएगा और 3 से 4 दिन में उनके इंजीनियर आके यहां पर उसकी भी तैयारी कर देंगे। और एक और प्लांट तीसरा जो लग रहा है, वो माननीय जनप्रतिनिधिगण जो कि हमारे विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, उनके माध्यम से 1500 LPM का एक प्लांट यहाँ पर लगने की तैयारी चल रही है। उसका साइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, September 29th तक हमें प्लांट भी प्राप्त हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इस महीने में हम उसको पूरा करा लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हमारे जिला अस्पताल में 3000 LPM से अधिक की क्षमता हो जाएगी, जो पूरे जनपद में सेकेंड वेव में 300 LPM ही थी। तो ये कहा जा सकता है कि थर्ड वेव की तैयारी हमारे जिला अस्पताल के लेवल पे अच्छी चल रही है।
और भगवान न करे ऐसी कोई वेव आएगी, लेकिन यदि आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं।